दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर यूपी का एक जिला है मिर्जापुर। पर्यटन के क्षेत्र में मिर्जापुर में काफी संभावनाएं, लेकिन विकास के इंतजार में टकटकी लगाए खड़ा है मिर्जापुर। अपना दल के अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अपना दल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अनुप्रिया को मिर्जापुर की सियासी कमान सौंपी थी। हम आपको अनुप्रिया पटेल के बारे में बताते हैं। साल 1981 में कानपुर में पैदा हुई अनुप्रिया पटेल अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी। 35 साल की अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। साल 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में रोहनिया से जीत हासिल की। अनुप्रिया पटेल जब सांसद बनी थी तो मिर्जापुर के लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक उम्मीदों की कसौटी पर अनुप्रिया पटेल खरी नहीं उतरी। हालांकि अनुप्रिया के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए 2.5 साल का वक्त है। ये हैं अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता है, मिर्जापुर से सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भी अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को नोटबंदी से होने वाले फायदे को समझाने का जिम्मा दिया है। इसके लिए पीएम ने बकायदा पाठ पढ़ाया था, लेकिन दिल्ली से मिर्जापुर लौटते लौटते अनुप्रिया को कुछ बातें याद रहीं, कुछ भूल गईं। सबसे पहले हम आपको अच्छी बातें सुनाते हैं कि मंत्री जी को याद आखिर क्या क्या है। देखिए, यहाँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कुछ दिनों पहले देशवासियों से कहा था कि आपने 70 साल की आजादी में बहुत सारी कतारों में खड़े होने का काम किया है, कभी गेहूं के लिए, कभी मिट्टी के तेल के लिए, कभी चीनी के लिए, लेकिन आप ये समझें कि ये अब एक अंतिम कतार है जिसमें आप खड़े हो रहे हैं। देश में दूसरी आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की जंग की शुरुआत हो गई है। समस्याएं हैं, मेरे क्षेत्र में भी हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी प्रतिबद्धता है कि ये समस्याएं जल्द से जल्द कम हो और देश में जिस समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए हम सब निकल पड़े हैं, उसमें देशवासियों के सहयोग से ही हम अपनी मंजिल को पाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था, मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को नोटबंदी के बारे में बताएं, कैशलेस ट्रांजैक्शन से होने वाले फायदे के बारे में समझाएं, गांव-गांव जाकर खुद सांसद मंत्री लोगों से मिलकर उनके बीच फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करें। लेकिन अनुप्रिया पटेल दूसरे कामों में इतनी व्यस्त हैं कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर खानापूर्ति कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सरकार की मुहिम चली हुई है कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करने की, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कैशलेस, नकदी रहित नहीं हो सकती है। कैशलेस से हमारी सरकार का तात्पर्य है लेस कैश इकोनॉमी, यानी जो कैश का ट्रांजैक्शन है उसे हमें कम करना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है। जहाँ तक मेरे अपने व्यक्तिगत प्रयासों की बात है तो पूरे प्रदेश में इस वक्त मेरा भ्रमण चल रहा है और हर जगह हजारों लोगों की सभाओं को हम संबोधित कर रहे हैं। उसमें हम उन्हें नोटबंदी के कारण उसका महत्व, उसकी आवश्यकता भी समझा रहे हैं और साथ ही उसके फायदे भी बता रहे हैं और कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ लोग बढ़ें ये भी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में भी यही काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी टोलियां बनाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ें इसके बारे में उन्हें समझा रहे हैं। बीजेपी के समर्थक काफी उत्साहित हैं। सांसद के बदले कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उन्हें समझा भी रहे हैं, अपनी सांसद का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, जनपद की जो सांसद हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हर महीने में एक दो दिन आकर के बैठती हैं, गंदा व्यवहार लगाती हैं और सभी तरीके के एप्लीकेशनों पर विचार करती हैं। किसी तरीके का बिना पक्षपात किए निष्पक्ष रूप से जो भी एप्लीकेशन आता है, जो भी जनता दरबार से में लोगों की फरियाद आती है, उस पर
विचार करने के बाद कार्रवाई करवाती थी। 3-4 दिन पहले आई थी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। उन्होंने जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस तरीके से उसमें सहयोग करें, और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्रों में जा कर के सभी से बात करें कि कैसे मोबाइल से पैसे का लेन देन हो सकता है, इससे क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इस तरीके की सारी बातें की। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदले सांसद जी को लोगों के बीच जाना चाहिए। जहाँ तक सांसद की बात है, मैंने ये पाया है कि वो सदन में भी और जिले में भी उनकी उपस्थिति लगभग एज ए मंत्री जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं हमें दिखाई देता है। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश को देखना पड़ता है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि हफ्ते में 1-2 दिन वो यहाँ रहना रहती हैं और जनता का कार्य को करती हैं, ऐसा मैंने फील किया, महसूस किया। अभी तक तो हला मैंने उनका ऐसा कोई एक्ट नहीं देखा कि जिसमें कैशलेस इंडिया के लिए वो काम कर रही हों, लेकिन जो सूत्रों से मुझे पता चलता है, लोगों से जो बातचीत में होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को कैशलेस में काम करने के लिए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और जो सरकारी आजकल बने हैं उससे काम करने के लिए वो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती रहती हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा अहम होगा, लिहाजा प्रधानमंत्री ने डैमेज कंट्रोल के लिए सभी सांसदों को कहा था कि वो लोगों के बीच जाएं और उनकी गलतफहमी दूर करें। लेकिन सांसद जी के गांव नहीं पहुंचने से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी। सांसद अनुप्रिया पटेल से ढेर सारी अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे का सानिध्य पाए थे, सोचे थे बहुत विकास कार्य होगा जिले में, किंतु हमारी सांसद जिले में उतना समय नहीं दे पाती हैं, मंत्री बनने के बाद यूं ही जैसे जिले से गायब हो गई हैं, जिले की समस्याओं को रूबरू नहीं हो पा रही हैं, प्रशासन के साथ बैठ कर के हल नहीं कर पा रही, जनता में उदासी है, निराशी है सांसद प्रिया को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढेर सारी योजनाएं देश के विकास के लिए, डिजिटल इंडिया हो या नोटबंदी हो, ऐसे तमाम उन्होंने चलाया है विकास को लेकर के, उन सबको जनता जानना चाहती है और सांसद से सपोर्ट लेना चाहती है, किंतु सांसद गायब हैं। मिर्जापुर में सांसद का उतना रहना नहीं हो पा रहा है, अभी तो उनका दर्शन नहीं हो रहा है, कोई से पब्लिक से कोई मुलाकात नहीं हो रही है। और मोदी कार तो बहुत अच्छा है, नोटबंदी भी अच्छा है, थोड़ा सा बैंक वाला लाइन ज़्यादा लग रहा है सुबह से, और कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी का कार्य बहुत संतोषजनक है। इलाके के लोगों से बात करने पर पता चला कि अनुप्रिया पटेल को लेकर लोगों में काफी निराशा है। लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ उन्हें सांसद बनाया गया था वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। बड़ी बात तो ये है कि जब अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री बनी तो बड़ी उम्मीदें थी कि बहुत कम उम्र में एक युवा केंद्रीय मंत्री मिली है तो उनका विजन बहुत क्लियर होगा। उन्होंने सबसे पहले जो आदमी जहाँ काम करता है उसी के आसपास से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। भरूना गांव में उनका निवास है और वह पूरा का पूरा गांव स्वच्छता अभियान के माथे पर एकदम सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि आप देख लें कि चाहे विंध्यवासिनी कॉलोनी के लास्ट वाला सिरा हो, चाहे श्रीरामपुरम कॉलोनी हो, चाहे सरस्वती विहार कॉलोनी के आखिरी समय में हो, हर जगह खुले में ही सारे लोग शौच कर रहे हैं, जिधर से जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, सड़कों को लेकर के अगर देखें तो सड़कों पर भी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं किया गया है। सारी सड़कें मिर्जापुर के चारों तरफ, चाहे वो जौनपुर के रास्ते पर जाइए, चाहे आप इलाहाबाद के रास्ते पर जाइए, बनारस के रास्ते पर जाइए, रीवा वाले रास्ते पर जाइए, रावर्सगंज के रास्ते पर जाइए, आप धूल से सन जाएंगे और कहीं अगर आप हृदय के कमज़ोर हैं तो निश्चित तौर पर बेहोश हो जाएंगे, हो सकता है कि एडमिट करना पड़े। तो ये किस प्रकार का डिजिटलाइजेशन है जिसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और अगर यह डिजिटल इंडिया हवाई बातें हैं और टेलीविज़न पर या समाचार पत्रों तक सीमित है
तो क्षमा करे, भारतवर्ष को हकीकत इंडिया चाहिए, डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। जनपद में इनका समय देने का काम तो बहुत कम, और पब्लिक में पोस्टरों द्वारा ये जानी जाती हैं, जन भागीदारी में इनकी भूमिका शून्य के बराबर है। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, अब पैसों के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। कुल मिलाकर समस्याओं का अंबार है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। लोगों के पास सांसद अनुप्रिया पटेल के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा है। पूरे सूबे में घूमने के साथ साथ सांसद अपने क्षेत्र में ज्यादा वक्त देकर लोगों को समझाएं तो बेहतर होगा। राजेश मिश्र, इंडिया 24/7, मिर्जापुर।